देवनागरी और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। जीत की खातिर बस जरूर चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आज आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गुण चाहिए। तुला राशि वालों के लिए यह वाक्यों को सच करने के लिए स्वयं ब्रह्मांड के अधिनायक और इस समस्त सृष्टि के कर्ता धर्ता माने जाने वाले सर्व प्रकाशक, सर्व प्रेरक एवं कल्याणकारी स्वयं सूर्य ग्रह जन्माष्टमी से ठीक पहले घर वापसी करने जा रहे हैं, यानी कि अपने स्वयं की राशि यानी कि सिंह राशि में 17 अगस्त 2022 को सुबह 7:14 पर प्रवेश करने जा रहे हैं और उसी के ही चलते पूरे विश्व पर उनका आक्रामक प्रभाव होने जा रहा है, जहां सूर्य के गोचर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के साथ शेयर बाजार बढ़ने की संभावनाएं बनेगी। पूरे भारतवर्ष में व्यापार की गति बढ़ेगी तो राजनीतिक उथल पुथल, प्राकृतिक आपदाओं के साथ देश में शिक्षा क्षेत्र में विकास की ओर सरकार का ध्यान जाएगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार के महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं तो देश एक और बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। साथ में 12 राशियों में से कुछ राशियों को जीवन में अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैंने अगस्त महीने में भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा था कि देश को तेज बारिश, तूफान, चक्रवात, बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो सोने चांदी की खरीदारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में सुधार के योग बनेंगे और आज यह भविष्यवाणी भी 100% सच होती जा रही है। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच में सबसे बड़ा लाभ तुला राशि के लोगों को मिलने जा रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में लाभ भाव, आय भाव के लोड होकर स्वयं एकादश स्थान में बुध के साथ बुद्धादित की योग का निर्माण कर रहे हैं, तो उनकी त्रिपाद दृष्टि आपके खुद के धन भाव पर एवं आपके खुद के जय भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण 17 अगस्त से लेकर 16 सितम्बर तक आपकी दशा और दिशा बदलने वाली है। जी हाँ, 3 खुशखबरी मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो आपके भाग्योदय, मनोकामना पूर्ति, लाभ उपलब्धि एवं विविध प्रकार के कार्य से मिलने वाले लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके कारण सूर्य का यह गोचर तुला राशि के लोगों के लिए निश्चित रूप से लाभ प्रदान करने वाला है। परिवार के लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यात्रा के महत्वपूर्ण न केवल योग बनेंगे किंतु वहाँ पर लाभदायक स्थितियों का निर्माण होगा। तो वही जो जातक नौकरी की तलाश में है, अब उनकी तलाश पूर्ण होने जा रही है। तुला राशि के जो जातक कर्ज के बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। निश्चित तौर पर आपको भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होगा, तो जायदाद में वृद्धि होती नजर आएगी। आप जिस जमीन, मकान, प्रॉपर्टी को क्रय करना चाहते थे और उनके लिए प्रयत्नशील थे, फिर भी सौदे बनते बनते बिगड़ रहे थे, तो आप इच्छित कामना के अनुसार सौदे पूर्ण करेंगे। सबसे बड़ा लाभ नौकरी और बिजनेस में अपार सफलता के रूप में मिलेगा, क्योंकि धन के लिए, मान सम्मान के लिए दूर शहर, राज्य या फिर विदेश जाने की ओर कार्य करने के लिए नजरें गड़ाकर बैठे हुए हैं, उनके लिए तुला लग्न में मंगल अष्टम भाव में होने पर आपको सूर्य भी विदेशवासी बना सकता है। साथ ही आपके जीवन में सुख समृद्धि भी पुनः लौट कर आएगी। यदि कोई रोग से माता पिता को कष्ट हो रहा था तो उनसे निजात मिलेगी, तो आपकी स्त्री, पुत्र और मित्रों की चिंता भी दूर हो सकती है। 20 अगस्त के बाद उन व्यवसायी जातकों को भी कार्य में धन एवं सफलता प्राप्त होगी जो पिछले काफी समय से ढूंढ रहे थे। जी हाँ, आपके कार्य में धन का निरंतर आगमन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप यात्रा, कर्ज, प्रेम, निवेश इन सबको अपने दायरे में न केवल समेटने का प्रयास करेंगे किंतु उपलब्धि के रूप में आपको अपने व्यक्तित्व का विस्तार करने का भी मौका मिल सकता है। आप माने या न माने, लेकिन सूर्य के परिवर्तन से आप अपनी जिंदगी की दिशा व गति का पुनर्मूल्यांकन कर भविष्य के बारे में सोचने, योजना बनाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। पार्टनर तथा अधिकारियों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे, तो स्थान, प्रतिष्ठान व कार्यालयों से आपके कार्य सिद्ध होंगे। जी हाँ, आप जिस प्रोजेक्ट को प्राप्त करना चाहते थे या फिर आप ऐसी जगह से कार्य प्राप्त करना चाहते थे जहाँ पर अधिक लोगों की नजर है, तो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सूर्य एकादश भाव में विराजमान होकर आपकी रचनात्मकता, कल्पनाशीलता व विचार व भावनाओं में आने वाला उफान एक निश्चित दिशा देने वाला है, जिसके कारण धन संबंधित
वर्षों दे अनुबंध कार्यभार न सिर्फ कार्यान्वित होंगे बल्कि बेहद सफल भी रहेंगे। प्राइवेट क्षेत्र में बड़े पद पर स्थित लोगों को नई जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा जो आपको उन्नति एवं प्रगति की ओर ले जाएगा। तो सरकारी पद पर स्थित जातक भी आकस्मिक एवं गुप्त लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षा में मेहनत कर रहे हैं और सफलता हासिल नहीं हो रही थी तो आपको सफलता के साथ मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होने जा रहा है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप प्रशासनिक पदों पर विराजमान होकर अपने कार्य से यश प्राप्त कर सकेंगे। आपका वर्चस्व चारों ओर खिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थित लोग भी बड़ा मुनाफा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। तो राजनीतिक उथल पुथल समाज सेवा एवं संगठित कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ा पद देकर जाएगी। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुँचा देते हैं, तो कोई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आप जिस असीन ख्वाबों को देख रहे हैं वह पूर्ण होगा। अतरंगता भरे पल बिताने के मौके मिलेंगे। तो दूसरी ओर अविवाहित जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी प्रवेश कर सकता है जो आपके जीवन में खलबली पैदा कर सकता है। निश्चित ही उनका सहयोग आपको पैसे से संबंधित चिंताओं से भी राहत दिलाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति को एक तरफा प्रेम कर रहे थे तो आकस्मिक लाभ के स्वामी शुक्र अब आपको प्रेम प्राप्त करवाएंगे। फिर भी इस समय में आपको गुप्त शत्रुओं से रोग से सावधान रहना होगा क्योंकि वह आपको पीछे छोड़ सकते हैं। जय गुरुदत्त।